गुड मॉर्निंग एवरीवन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट इन दिस वीडियो आई विल भी स्पेसिफिकली डिस्कसिंग द टेस्ट सीरीज विच वी कंडक्ट नॉर्मली फॉर आवर पेन ड्राइव स्टूडेंट्स बट मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ जिससे कि एक्चुअली उन लोगों को पता चल पाए कि हाउ द एग्जामिनेशन पेपर लुक लाइक्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ शुड बी प्रजेंट आर पेपर कुछ गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं वो एक्चुअली इससे सीख पाएं और साथ साथ में हेल्पफुल भी होगा कि हम रिविजन भी कर पाएंगे तो एक्चुअली हम लोग अपने पेनड्राइव स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं देर आर साइकिल ऑफ टेस्ट जैसे एक साइकिल में टोटल इलेवन टेस्ट होते हैं फाइव इनकम टैक्स चैप्टर वाइज फोर आई डी टी तो दैट मेक्स नाइन प्लस टू फुल फ्लेज टेस्ट तो ये एक साइकिल में कंडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स पेंटाइव स्टूडेंट्स हमें अपनी कॉपी भेजते हैं स्कैन करके और लगभग नेक्स्ट थ्री टू फोर डेज में हम उनकी वापस कॉपी इवेल्युएट करके विद आर फीडबैक ऑन इट उनको वापस कर देते हैं तो फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मैं कॉपी तो नहीं चेक कर पाऊंगा बट स्टिल आई एम गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट पेपर प्लस आ, उसका सॉल्यूशन भी ठीक है वो देख सकते हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो पर्टिकुलर पूरा टेस्ट पेपर विच कंसिस्ट ऑफ बोथ एम सी क्यूज एज वेल एज योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ठीक है नवंबर ट्वेंटी और दिसंबर ट्वेंटी के लिए एप्लीकेबल होगा ये स्पेसिफिकली फॉर सी ए इंटरमीडिएट एंड सी एम ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ठीक है तो स्टार्ट कर करें हाँ अगर आपको लगता है कि पहले आपको टेस्ट खुद करना चाहिए जो एक्चुअली आई वुड हाईली रिकमेंड सो यू कैन स्टॉप द वीडियो राइट हेयर डिस्क्रिप्शन में जाइए डाउनलोड कीजिए टेस्ट पेपर खुद कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस होंगे वहां पर फर्स्ट पेज पर ठीक है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे तो आप वहां पर इंस्ट्रक्शंस पढ़िए दो घंटे का टेस्ट पेपर रहेगा फिफ्टी मार्क्स का ये टेस्ट पेपर में कवर्ड है चैप्टर बेसिक कंसेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी इसी तरीके से पांच टेस्ट इनकम टैक्स के होंगे चैप्टर वाइज नेक्स्ट है पीजीबीपी और कैपिटल गेन आपको टेस्ट शेड्यूल भी मैं चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सो यू कैन गेट द टेस्ट शेड्यूल ऑल्सो ठीक है सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन ठीक है टोटल फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जनरली आपको एग्जाम में तो मार्क ही करना होता है कि कौन सा ठीक है बट मैं टेस्ट में रिकमेंड करता हूँ देखिए थोड़ा सा हमें एक दो लेवल अप ही तैयारी करनी चाहिए सो so, uh, मैं अपने स्टूडेंट्स को यह बोलता हूँ कि आप सिर्फ एम सी क्यू क्वेश्चन टिक ना करें साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें ठीक है आपने वो आंसर पर कैसे आए यू शुड डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो ठीक है समझ में आ गया तो शुरू करें सॉरी सो दिस इज इनकम टैक्स टेस्ट नंबर वन जो लास्ट मंथ कंडक्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर वन से मिस्टर अमित हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन डेली हुज म्यूनिसपल वैल्यूज रुपीज वन लाख and फेयर rental वैल्यू is rupees वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड स्टैंडर्ड रेंट वन लाख एट थाउजेंड आपको पता है इस तीन इन्फॉर्मेशन से एक्सपेक्टेड रेंट आप कैलकुलेट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स इसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा क्विक रहूंगा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही क्विक रहूंगा यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा नहीं पाऊँगा बट हाँ रिवाइज हम लोग करेंगे इट्स लाइक अ वेरी क्विक टाइप ऑफ रिविजन ठीक है इट वॉज सेल्फ ऑफ पर हां आपके काम बहुत आने वाला है ये इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाई अमित्रॉम वन फोर नाइनटीन टू थर्टी वन सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन तो ये तीन महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था अगर ये पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो हम लोग एन इसकी नल ले सकते थे और आपको पता है कि एक इंडिविजुअल एच एफ अपने दो घर की दो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की एनएवी नल अब ले सकते हैं पहले एक होता था नाउ इट इज टू विद इफेक्ट फ्रॉम वन एट नाइनटीन इट वॉज लेट आउट फॉर रूपीज टेन थाउजेंड पर मंथ अब देखिए लेट आउट हो गया ड्यूरिंग द ईयर नाउ वी कैनॉट टेक एनवी एज नल नल तब लेते हैं इफ इट इज सेल्फ फॉर द द एंटायर ईयर कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर दाउसमेंट इवेंटी ट्वेंटी म्यूनिस्पल टैक्सेस पेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर वॉज ट्वेंटी थाउजेंड अब एक गलती जो स्टूडेंट से हो जाती है वो एक्चुअली ये मिस कर देते हैं कि इस क्वेश्चन ने एक्चुअली डिमांड क्या की है व्हाट व्हाट ज द क्वेश्चन एक्चुअली डिमांडिंग स्टूडेंट क्या करेंगे इनकम निकाल देंगे बट लिखा हुआ क्या है हाउस प्रॉपर्टी हमें अपनी हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी निकालनी है, सिर्फ एनएवी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं निकालनी जस्ट एनएवी तो आपको पता है इस केस में हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं एक्चुअल रेंट निकालते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं एंड विच एवर इज हायर उसको हम जी बोल देंगे ठीक है अगर वैकेंसी का केस होगा तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीट होता है बट यहाँ पर कोई वैकेंसी ट्रीट वहाँ पर यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी तीन महीने तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसके बाद लेट आउट था ठीक डायरेक्टली तो विच एवर इज हायर करके हमारे पास जी आएगा म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए हुए हैं ट्वेंटी थाउजेंड जैसे ही हम लोग म्यूनसिपल टैक्सेस डिडक्ट करेंगे वी विल गेट एन net annual नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन वी विल गेट द आंसर अगर मैं आपको एक स्टूडेंट की कॉपी यहाँ पर दिखाता हूँ जिसने अच्छा परफॉर्म किया था राइटिंग थोड़ी सी और इसको अच्छी करनी चाहिए मैंने उसको रिमार्क भी दिया था बताया भी था अलग से ठीक है ऑल्दो ये काफी इसने इम्प्रूव भी करा था खेल मैं इसको अभी इसकी बातें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले देखिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बी है एटी एट थाउजेंड आया था यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू वन लाख एट थाउजेंड म्यूनिसपल टैक्सेज ट्वेंटी थाउजेंड नेट एनुअल वैल्यू एटी एट थाउजेंड आई है ये वन लाख एट थाउजेंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आया तो यहाँ पर स्टूडेंट ने दिखाया हुआ है म्यूनिसपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर वन लाख एट थाउजेंड इज द एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट आया था टेन थाउजेंड पर मंथ और एट मंथ्स के लिए लेट uh, आउट था तो एटी थाउजेंड हायर ज वन लाख एट थाउजेंड इज हायर दैट बिकम्स द जीएबी तो इस तरीके से जीएबी आने के बाद म्यूनिसपल टैक्सेस माइनस किए गए और हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ पाई है ठीक है तो थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी यहां पर क्वेश्चन नंबर टू मिस्टर संयम एंड इज ब्रदर ज्वाइंटली ओन अ बंगलोर ठीक है को ओनरशिप का क्वेश्चन है अगर आपको सेक्शन याद है सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दे हैव टेकन अ हाउसिंग लोन टू परचेज द बंग्ला द लोन इज सेंशन इन द नेम ऑफ सयम एंड हिज ब्रदर इन द ईयर सेटीन ठीक है दो तीन साल पहले लोन सेंक्शन हुआ था इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी अमाउंटेड टू रुपीज फाइव लाख विच इज पेड बाई सयम एंड ब्रदर टू लाख फिफ्टी टू फिफ्टी ठीक है टू लाख फिफ्टी टू फिफ्टी दोनों ने शायद फिफ्टी परसेंट की ओनरशिप होंगे तो टू फिफ्टी टू फिफ्टी दोनों ने इंटरेस्ट भी दिया है और आपको पता है इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिलती है वाइल कैलकुलेटिंग योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी और इनकेस अगर ये घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो ये डिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड होती है ठीक है याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकेस एन ए वी इज नैल सेल्फ ऑक्युपाइड घर था एंटायरली पूरे साल तो इंटरेस्ट की डिडक्शन ट्वेंटी फोर बी रिस्ट्रिक्टेड होती है बट इफ इट इज लेट आउट तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जितना भी इंटरेस्ट पे किया पूरा का पूरा अलाउड होता है अब देखते हैं क्या घर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था या फिर लेट आउट था तो लिखा हुआ द बंगलो इज यूज बाय देम फॉर देयर रेसिडेंस देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है द बंगलो इज यूज बाय देम फॉर देयर रेसिडेंस अपने रेसिडेंस के लिए यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड था पूछा है क्वेश्चन में इन दिस केस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 बी 24 बी इज इंटरेस्ट का है अब आप लोग ये जानते हैं कि इन केस इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो यहाँ पर इंटरेस्ट की डिडक्शन लिमिटेड होती है ठीक है अगर घर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो तो टू लाख होती है रिपेयर्स वगैरह के लिए थर्टी होती है और दोनों ही ओनर्स की अपनी अपनी डिडक्शन है यहाँ पर एक और गलती हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं को ओनरशिप है तो एक काम करते हैं टू लाख रुपीस दोनों का कंबाइंड है और वन लाख वन लाख दे देंगे नो ठीक है इनकेस घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप शुरू से इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और दोनों या जितने भी को ओनर्स हैं सब लोगों के लिए सेपरेटली टू लाख अवेलेबल होगा तो यहां पर आंसर आने वाला है बी टू लाख ईच दोनों के लिए टू नहीं हो सकता है फाइव लाख ऑब्वियसली ईच नहीं हो सकता है थर्टी थाउजेंड तो नहीं आएगा क्योंकि मेनली इन्होंने हाउसिंग लोन लिया टू परचेज द बंगलो रिपेयर कराने के लिए नहीं लिया है परचेज करने के लिए लिया था थर्टी थाउजेंड नहीं आएगा टू लाख ,00 रुपीस आएगा द आंसर वुड बी बी ठीक है तो ये मैं नहीं शो कर रहा हूं मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री मिस्टर गुप्ता मूव टू मुंबई ही टुक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज

सबलेट कर देते हैं तो दैट इज ऑल्सो आर इनकम अंडर अदर सोर्सेस क्वेश्चन ये पूछता है मिस्टर गुप्ता इज ऑफ द व्यू दैट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर गुप्ता को लगता है कि ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी आंसर इज नो अब याद कीजिए हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन है ट्वेंटी टू याद आ गया सेक्शन ट्वेंटी टू इज अ चार्जिंग सेक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी और वो ये कहता है कि द असेसी मस्ट बी द ओनर ओनर होना चाहिए इंक्लूडिंग डीम ओनर भी चलेगा डीम ओनर याद आता है आपको ठीक है मेरा पर्पज मेनली आपको टेस्ट के साथ साथ चीज़ें याद कराना भी है डीम ओनर होता है ट्वेंटी सेवन में ठीक है तो वहां पर कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर अपने स्पाउस को ट्रांसफर करो विदाउट कंसिड्रेशन है ठीक है इम्पाटिबल स्टेट है तो ऐसी सारी बातें होती हैं डीम्ड ओनरशिप की अगर आप ओनर हैं या डीम्ड ओनर हैं तभी आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है इन केस अगर आप ओनर नहीं हो उस प्रॉपर्टी के तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी एग्री हैं तो इस केस में ये कहते हैं कि क्या ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी द आंसर इज नो प्लीज एडवाइस कीजिए तो कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए गिवन है करेक्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं जी ये आंसर सही नहीं है इनकरेक्ट एज गुप्ता इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट बाई हिम द इनकम फ्रॉम सबलेटिंग शेल बी टेक्सीबल अंडर पी नहीं पी पी में भी नहीं आएगा इनकरेक्ट एस गुप्ता इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी द इनकम फ्रॉम सबलेटिंग बी द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सी बिल्कुल ठीक लग रहा है डी और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वैसे सी तो मुझे लग लग गया ठीक है करेक्ट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज डायरेक्टली टू द प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं ठीक है ये कहते हैं कि करेक्ट कह रहे हैं वो नहीं जी बिल्कुल सही नहीं कह रहे द आंसर वुड बी सी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर टू सेवन इस पर्टिकुलर केस स्टडी पर बेस्ड है लिखा हुआ है सुनीता वर्मा अटीजन ऑफ इंडिया लिवस विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर टू थाउजेंड तो मिस सुनीता वर्मा अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहती है काफी साल से ठीक है 2000 थाउजेंड से लगभग बीस साल से शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन टू ट्वेंटी एट 19 नाइनटीन टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर ठीक है वो इंडिया आते हैं ठीक है विजिट करते हैं इंडिया

सॉरी थर्टी टू थाउजेंड डॉलर पर आए न्यू यॉर्क के घर के बारे में बातें हो रही हैं उसका एक्सपेक्टेड रेंट है लेट आउट नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड है द वैल्यू ऑफ वन डॉलर सेवेंटी फाइव रुपीज दिया हुआ है म्यूनिसपल टैक्सेज न्यूयॉर्क के पे करे हुए हैं टू थाउजेंड रुपीज अभी आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ सिंपल आप पढ़ेंगे एक ऐसे जब क्वेश्चन आए ठीक है मैं एग्जाम्स में अगर जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बस आप वन टाइम केस स्टडी रीड आउट करें हो सकता है आपको एक दो पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर केस स्टडी के सारे पॉइंट्स समझने में अभी फिलहाल अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम के दौरान ठीक है ड्यूरिंग दैट थ्री आयर्स प्लीज़ आप केस स्टडी एक बार रीड करें फिर आप क्वेश्चन रीड करें और फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप केस स्टडी पर दोबारा जाएंगे आप ऐसा नहीं है कि पहले पूरी केस स्टडी की एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के और आपने 10-12 मिनट वहां पर खराब कर दिए केस स्टडी के एनालिसिस करते हुए और क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल पूछे गए हैं तो हमेशा आपके स्टडी जस्ट रीड वंस देन रीड द क्वेश्चन और फिर जरूरत पड़े तो फिर आप केस स्टडी का वो पोर्शन दोबारा से पढ़ेंगे ठीक है वो पोर्शन पूरी केस स्टडी नहीं जितना वो क्वेश्चन से रिलेटेड है सब लोगों को तो समझ में आ रहा है ये बातें ठीक है ओके okay. तो यहां पर तो न्यूयॉर्क के घर के बारे में बात हुई थी ठीक है आगे लिखा हुआ है शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अर हाउस इन न्यू डेली ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन ठीक है इन्होंने एक शायद डेली का घर भी इनके पास आ गया है ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन को जो हमारा प्रीवियस ईयर है नाइनटीन ट्वेंटी उससे पहले ही वाइल शी इज इन इंडिया द म्युनिसपल वैल्यूएशन इज फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर एन एम एंड द फेयर रेंट इज फोर फिफ्टी शी पेड प्रॉपर्टी टैक्स और ट्वेंटी थाउजेंड टू डेली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब ये घर इंडिया में सिचुएटेड है डेली में She had taken a loan of 16 lakh at a rate of 10% per annum from IDBI bank on 1st April 16 for constructing the house. Pehle construction karane ke liye tha aur baad mein inka ghar ban gaya toh phir inhone possession le liya uska. No amount has been paid towards principal repayment so far. The house is vacant for the rest of the year from October 19 to March 20. Tak wo vacant tha ghar. Thik hai. घर vacant था but कुछ time तक self occupied भी था ठीक है कुछ time तक self occupied था कुछ time तक वो vacant था लेट आउट नहीं था शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच वॉज सोल्ड ऑन ट्वेंटी हमारे वाले ईयर में नहीं आर ईयर इज प्रीवियस ईयरटीन ट्वेंटी इससे पहले यह प्रॉपर्टी बेची जा चुकी थी लास्ट ईयर ही कैपिटल गेन आएगा क्या आता होगा पर लास्ट ईयर ही आएगा अभी नहीं जाएंगे हो सकता है क्वेश्चन कोई पूछे ही ना कैपिटल गेन में आप क्यों कैपिटल गेन निकाल रहे हैं वो भी लास्ट टू ईयर लास्ट ईयर का इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ थ्री लाख ये इंपॉर्टेंट बात है एक घर जिसकी ये पहले ओनर थे उसका रेंट मिला है जिसको हम कहते हैं एरियर्स ऑफ रेंट तो आपको पता है कि जब एरियर्स ऑफ रेंट मिलता है वेदर यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट याद आता है सेक्शन ट्वेंटी फाइव ए वेदर यू आर द ओनर ऑफ द सेक्शन नंबर याद भी ना रहे तो इट्स ओके बट आपको प्रोविजन बताना चाहिए अगर आपको एरियस ऑफ रेंट मिला है जो पहले कभी टैक्सेबल नहीं हुआ था तो देन इट बिकम्स टैक्सेबल वेदर यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट इन दिस ईयर और कितना टैक्सेबल करते हैं इसका 70 परसेंट थर्टी परसेंट की डिडक्शन डायरेक्टली मिल जाती है और सिर्फ 70 परसेंट टैक्सेबल होता है और ये इनको इस साल पैसे मिले दिस अमाउंट हैज़ नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर तो हमें पता चल गया कि ये अमाउंट इस साल टैक्सेबल होगा बट प्लीज बताइए थ्री लाख होगा या थर्टी माइनस करने के बाद टू लाख टेन थाउजेंड ठीक है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द मल्टीपल चॉइस अब आपने एक बार केस स्टडी पढ़ ली मैंने थोड़ा सा और टाइम लगाया क्योंकि आपके साथ थोड़ा थोड़ा मैंने समझाया एग्जाम में आप लोग फटाफट एक केस स्टडी पढ़ेंगे एक बार फिर अपने क्वेश्चन देखेंगे वट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुनीता वर्मा फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस का है तो मुझे इतने सारे पैराग्राफ की जरूरत नहीं है इसके लिए मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है कि ये इंडिया में ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन को आए और ट्वेंटी एथ सेप्टेंबर नाइनटीन तक रहे ठीक है और हर साल ये हंड्रेड डेज के लिए इंडिया आते हैं तो इस इंफॉर्मेशन से मैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करूंगा तो कहां से काउंट करें ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन से काउंट करें नहीं एक और गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं यहां पर कुछ स्टूडेंट्स इनको ट्वेंटी थर्ड मार्च से नाइनटीन से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे बॉस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर इनटीन ट्वेंटी विच स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल नाइनटीन ऑनवर्ड्स तो आपको जब नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करेंगे तो फ्रॉम अप्रैल नाइनटीन ऑनवर्ड्स ही कंप्यूट करना शुरू करेंगे ऑल दो ये शायद लास्ट मंथ मार्च नाइनटीन में आ गए थे बट आप मार्च नाइनटीन से कैलकुलेट मत कीजिएगा एवरी ईयर इज अ डिफरेंट ईयर इन इनकम टैक्स तो आप अप्रैल नाइनटीन से काउंट करने शुरू कीजिएगा तो अप्रैल नाइनटीन में आएगा और ये सेप्टेंबर तक रहे अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सितंबर तक और सितंबर में कब गए 28 सितंबर को सितंबर के तो 28 डेज आएंगे बाकी के मंथ्स के पूरे पूरे दिन आएंगे तो आपको कंप्यूट करना है अब मैं आपको स्टूडेंट uh, की कॉपी दिखा देता हूं कि कितना कंप्यूट करके आया होगा उनका ओके okay, ये रहा अप्रैल में थर्टी डेज मे थर्टी वन जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर में ट्वेंटी एट डेज दैट कम्स टू वन एट्टी वन डेज यहां पर टोटल वन एट्टी वन डेज आता है अब आपको पता है कि रेसिडेंट बनने के लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक द बेसिक कंडीशन फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहती है कि वन एट्टी टू डेज कम से कम आप इंडिया में हो मिनिमम ठीक है वन ऐटी टू डेज़ और मोर जो नहीं हो पाया फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि आप सिक्सटी डेज इंडिया में हो और लास्ट फोर ईयर्स में थ्री सिक्सटी फाइव डेज हो याद आता है आपको बट सेकेंड कंडीशन लगाने से पहले हमारे पास कुछ एक्सेप्शन्स भी होती हैं एक्सेप्शन उसमें से एक एक्सेप्शन है इफ ए पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही इज जनरली सेटल्ड अब्रॉड वो बाहर रहते हैं जनरली बट विजिट करने आते हैं इंडिया में तो उनके लिए सिक्सटी डेज ना देखकर वन एटी टू डेज ही देखा जाता है याद आता है वो एक्सेप्शन में फॉल करता है क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप या फिर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर जाता है प्रीवियस ईयर में फॉर द इंप्लॉयमेंट आउटसाइड तो ये लोग एक्सेप्शन में आते हैं और सेकेंड कंडीशन में हम सिक्सटी डेज ना लेकर वन टू डेज लेते हैं तो दोनों में वन टू डेज हो जाता है ठीक है फाइनेंस एक्ट 2020 में यहाँ पर चेंजेस भी आए हैं बट वो 2021 ट्वेंटी वन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है बट राइट नाउ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं 2020 के लिए नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो अभी मैं पुराने प्रोविजन ही लेकर चलूंगा ठीक है तो क्योंकि ये 181 डेज ही आए हैं और ये एक्सेप्शन में आते हैं तो सिक्सटी डेज वाली एक्सेप्शन इनके पास आती नहीं है सिक्सटी डेज वाली कंडीशन आएगी नहीं तो फिर ये क्या रेसिडेंट हो पाएंगे द आंसर इज नो बिकॉज दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई एक करनी थी दोनों ही नहीं हो पाई और ऑलमोस्ट वन एटी टू डेज ही होती है यहां पर तो शी विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट अब ये नॉन रेसिडेंट हो गए हैं तो फर्स्ट आंसर आया हमारा नॉन रेसिडेंट क्लियर हो गया ठीक है आगे चलते हैं मैं सुनीता वर्मा कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री टू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि निल एनुअल वैल्यू किसकी ले सकते हैं आपको पता है कि एक इंडिविजुअल दो घर की वैल्यू ले सकता है बट प्लीज मुझे बताइएगा क्या इनके पास दो घर हैं सर मुंबई वाला घर तो इस बार है नहीं वो तो लास्ट ईयर बिक तो तो चुका था सेकेंड घर कौन सा है डेली का न्यूयॉर्क का घर क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड था हाँ सर उसकी भी वैल्यू निल ले लें यहां पर एक और गलती हो सकती है आपको पता है कि इनकेस इन केस अगर कोई भी एस नॉन रेसिडेंट है तो उसके कौन कौन से घर क्योंकि नॉन रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होती है तो जो इनका घर न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज शी इज अ नॉन रेसिडेंट ठीक है अगर ये रेसिडेंट होते तो हम न्यूयॉर्क वाला घर भी तब तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है बिकॉज शी इज अ नॉन रेसिडेंट हम इनका न्यूयॉर्क वाले घर की तो बातें ही नहीं करेंगे तो नाउ शी कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ निल वेल्यू फॉर अ डेली हाउस तो वो डेली हाउस के लिए कर सकते हैं ए आंसर मुझे ठीक लग रहा है न्यूयॉर्क हाउस के लिए बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है विच इज मोर बेनिफिशियल नो न्यूयॉर्क हाउस की तो हम बातें ही नहीं करेंगे उसका तो क्वेश्चन ही नहीं आता है सब लोग ये बातें समझ रहे हैं बिकॉज शी इज अ नॉन रेसिडेंट नेक्स्ट है हर डेली हाउस अ लोन हर न्यूयॉर्क हाउस विल बी बी टू लेट आउट नहीं न्यूयॉर्क हाउस की तो बात ही नहीं करनी लेट आउट नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं डीम टू बी लेट आउट कुछ भी नहीं ठीक है शी इज अ नॉन रेसिडेंट इनकी फॉरेन इनकम को प्लीज टच ना करें बोथ हर डेली हाउस एंड न्यूयॉर्क हाउस नहीं बिल्कुल नहीं इसका आंसर ए आएगा सिर्फ डेली हाउस को ही ये इसकी वैल्यू निल मान सकते हैं एग्री हैं आप मुझसे ठीक है नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज द इनकम चार्जेबल एंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सुनीता वर्मा अब हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी आएगी शी हैज़ डेली हाउस न्यूयॉर्क हाउस की हम बातें नहीं करेंगे मुंबई हाउस एक्चुअली लास्ट ईयर ही सेल आउट हो चुका था बट उसका एरियर्स आया था तो आपको पता है अगर एरियर आएगा था तो डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है तो इनके डेली हाउस से इनकम निकालेंगे और इनकी मुंबई हाउस की भी इनकम आएगी और मुंबई हाउस की आपको पता है इनकम आ चुकी है थ्री लाख रुपीज़ का रेंट आया था एरियर्स उसका सेवेंटी परसेंट दैट इज टू लाख टेन थाउजेंड तो मुंबई के से तो इनकम आ गई टू लाख टेन थाउजेंड और डेली का घर क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड था ठीक है और फिर बाद में वेकेंड था कभी भी लेट आउट नहीं हुआ था इसकी वैल्यू मिल लेंगे ठीक है और ये इंटरेस्ट और म्यूनिसपल टैक्सेस पे करें हैं तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज एन ही मिल लेते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में तो और डिडक्शन मिलेगी ट्वेंटी बी की क्योंकि उसके ऊपर लोन भी चल रहा है कितना लोन था तो एक बार लोन देख लेते हैं द लोन अमाउंट वॉज सिक्सटीन लाख द रेट इज टेन परसेंट सो दिक्सटीन लाख इन टू टेन परसेंट वन पॉइंट सिक्स लाख ठीक है डिडक्शन मिल जाएगी एक और चीज ध्यान में रखनी है देर इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑल्सो तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बिकॉज लोन वॉज टेकन ऑन फर्स्ट अप्रैलटीन एंड द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कैसे देखते हैं इसको जिस ईयर हाउस कंप्लीट हुआ था पहले वो ईयर आइडेंटिफाई कीजिएगा तो ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन इज फॉलिंग इन द ईयर प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन तो इस प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन से जो पहले का पीरियड है द पीरियड प्रिसीडिंग दिस पर्टिकुलर डेट इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बिकॉज लोन वॉज टेकन ऑन फर्स्ट तो फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन तक का पीरियड इज़ अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो आप सिक्सटीन लाख का टेन परसेंट और इस पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट आप निकालेंगे उसका वन फिफ्थ विल बी अलाउड तो करंट पीरियड का तो वन पॉइंट सिक्स लाख आया है और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी आप निकालेंगे तो आई बिलीव ये टू लाख से ऊपर चला जाएगा टोटल और आपको पता है कि मैक्सिमम टू लाख तक ही हम डिडक्शन लेते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है ठीक है तो डेली के हाउस की इनकम कितनी बन जाएगी बिकॉज एन ए जीरो है म्यूनसिपल टैक्सेज अलाउड नहीं होंगे बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड घर था वेकेंट था पूरे साल हमने कोई और यहाँ से किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लिया है एन वुड बी जीरो म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होते हैं एन ए वी ज़ीरो के बाद ट्वेंटी फोर ए थर्टी परसेंट ऑफ एन ई वी ज़ीरो ट्वेंटी फोर बी टू लाख रुपीज़ आ जाएगा ठीक है आप लोग कैलकुलेट करेंगे टू लाख आ जाएगा नेगेटिव मुंबई के घर से इनकम आ रही है मुंबई के घर से बिकॉज मुंबई का घर ऑल दो लास्ट ईयर ही सेल आउट हो चुका था बट डीम्ड इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी की एज इस ऑफ रेंट थ्री लाख आया उसका आप सेवेंटी परसेंट कर लीजिएगा बिकॉज थर्टी परसेंट रिडक्शन मिलेगी तो टू लाख टेन थाउजेंड सो दैट कम्स आर इनकम ऑफ टेन थाउजेंड पॉजिटिव इनकम ठीक है टू टेन माइनस टू लाख दैट इज टेन थाउजेंड वुड बी योर इनकम ठीक है तो यहाँ पर आप लोग से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर सिक्स में वट इज द इनकम चार्जेबल एंडर दिन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी टेन थाउजेंड रुपीज न्यूयॉर्क वाले घर को कुछ नहीं करना है बिकॉज दिस अस एसी इज़ अ नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की अगर फॉरन इनकम आ रही है तो उसको तो टैक्सेबल नहीं करेंगे हाँ अगर वो रिसीव हो जाती है इंडिया में तब टैक्सेबल हो जाती है ठीक है तो ऐसा कुछ इनकम आ नहीं रही है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ इट सेज एज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एम सी क्यू अ लोन ठीक है ये बात हमारे केस स्टडी में नहीं दी गई हुई है तो इसी मसीक्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है इट सुनीता वर्मा हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग सिक्स मंथ्स अप्रैल टू सेप्टेंबर वेन शी इज इन इंडिया अच्छा जब ये इंडिया में थे तो इन्होंने अपना न्यूयॉर्क का घर किराए पर दे दिया मुझे बताओ इनकम कहां पर अराइज हुई न्यूयॉर्क में बिकॉज द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क एट अ सम ऑफ सिक्स थाउजेंड यूएस डॉलर पर मंथ ठीक है सच रेंट वॉज रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क रिसीव भी कहां पर हुआ न्यूयॉर्क में अराइज न्यूयॉर्क रिसीव न्यूयॉर्क आप इंडिया में इसको टैक्सेबल नहीं कर सकते एंड देन रेमिटेड टू इंडिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेमिटेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्टली रिसीव होना चाहिए इंडिया में तभी हम टैक्सेबल करेंगे तो पूछा गया है कि क्या न्यूयॉर्क की इनकम भी हम लोग टैक्सेबल करेंगे द आंसर इज नो क्वेश्चन कहता है कि वट वुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वही रहेगी दिल्ली वाली घर से नेगेटिव टू लाख मुंबई से टू पॉइंट वन लाख पॉजिटिव न्यूयॉर्क को आप नहीं ले सकते सो योर इनकम विल रिमेन द सेम टेन थाउजेंड रुपीज द आंसर वुड बी ए टेन थाउजेंड आंसर आएगा ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट हुआ है मिस्टर रमेश अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ इम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ हम सुनते हैं सैलरी में सैलरी में अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है एम्प्लॉयड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टेड अब्रॉड तो उनकी जो सैलरी इनकम होती है वो डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है बट साथ, साथ में हम ये भी जानते हैं कि ऐसे लोगों को जो इंडियन सिटीजन है पोस्टेड अब्रॉड है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए अलाउंसेज एंड वुड बी एक्सेप्ट ठीक है याद आता है आपको ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर असमेंट इवेंटी ट्वेंटी हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में वो वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ही रिसीव सैलरी अलाउंसेज इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फॉर सर्विसेज सर्विस बाई हिम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस को संभाल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिस है वो वहां पर वो उसको अपने एज एन इंडियन एम्बेसडर काम कर रहे हैं इन एडिशन ही वो अलाउड परक्यूज बाय द गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हम लोग जानते हैं सिर्फ सैलरी इनकम टेक्सेबल करते हैं बिकॉज दैट इज डीम टू अराइज इन इंडिया स्पेसिफिकली सेक्शन नाइन में मैंशन है अगर सेक्शन नंबर नाइन याद नहीं है तो इट्स ओके बट यू शुड नो द प्रोविजन प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने बट अलाउंसेज और परक्यूज को एग्जेप्ट करता है सेक्शन टेन तो देखते हैं कि कौन सा मोस्ट स्पेसिफिक आंसर ठीक रहेगा सैलरी अलाउंसेजेड रिसीव आउटसाइड इंडिया नॉट टेक्सेबल नहीं ऐसा तो नहीं है टेक्सेबल तो है सैलरी अलाउंसेज परक्यूज रिसीव आउटसाइड इंडिया बाय रमेश रमेशा टेक्सेबल इन इंडिया सिंस दे आर डीम टू अक्रू अप्रूवर अराइज इन इंडिया हाँ ये तो बात ठीक है डीम टू अक्रू अप्रूवर अराइज बट परक्यूजिट्स और अलाउंसेस के बारे में हम ये जानते हैं कि वो एग्जेम्ट होता है तो वैसे तो बी ठीक लग रहा है बट देखते हैं क्या 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 कोई मोर स्पेसिफिक आंसर आ सकता है क्योंकि अलाउंसेज और परक्यूजिट्स एग्जम्ट होते हैं सी सैलरी रिसीव बाय मिस्टर रमेश इज टेक्सिबल इन इंडिया बट अलाउंसेज एंड आर एग्जेम्ट ये बिल्कुल स्पेसिफिक लग रहा है सी बिल्कुल ठीक स्पेसिफिक बातें बोल रहे हैं सी शुड बी द करेक्ट आंसर डी एक बार और चेक कर लेते हैं सैलरी रिसीव बाय रमेश इज एग्जेम इन इंडिया बट अलाउंस एंड ये तो बिल्कुल अपोजिट बातें कह रहा है डी तो बिल्कुल ही गलत रहेगा ठीक है द आंसर वुड बी सी आगे बढ़ जाए ओके कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन इट से मिस्टर राज एन इंडियन सिटीजन एंड अ गवर्नमेंट इंप्लॉय लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन ऑन अकाउंट ऑफ इज ट्रांसफर टू हाई कमीशन इन सिंगापुर ये भी वही केस है ठीक है इंडियन एम्प्लॉय है इंडियन सिटीजन है और इनको सिंगापुर एम्बेसी भेजा गया इंडियन एम्बेसी बेस्ड इन सिंगापुर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी ही विजिटेड इंडिया ओनली फॉर टेन डेज ऑन ओकेजन ऑफ ए सिस्टर मैरिज नॉन रेसिडेंट ही है ठीक है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी ही इनकम कम्पोजिशन इंक्लूड सैलरी फॉरन अलाउंसेज रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर एंड इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट मेंटेन्ड विद एस बी आई इज टेक्सीबल इनकम वुड बी इनकी कौन कौन सी इनकम टेक्सीबल करेंगे ठीक है मुझे प्लीज बताइए सैलरी इनकम टेक्सीबल होती है अलाउंसेज एग्जेम्प्ट करते हैं अलाउंसेज और परक्यूजिट्स एक्जैम्ट होते हैं रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट इनकी हम ग्लोबल इनकम टैक्सीबल नहीं कर सकते तो रेंट फ्रॉम सिंगापुर एराइज इंडिया में नहीं हो रहा रिसीव के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो मानते हैं कि रिसीव भी सिंगापुर में हो रहा होगा दैट इज ऑल्सो नॉट टेक्सीबल बट जो इंटरेस्ट अर्न करा है एस बी आई से दैट इज टैक्सीबल तो लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम विल बी टैक्सीबल नहीं जी ऑल ऑफ देम तो नहीं होगा ओनली इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट नहीं सैलरी भी होनी चाहिए नो इनकम शैल बी टैक्सीबल नहीं ये भी ठीक नहीं है डी कहता है सैलरी इनकम टैक्सेबल होती है और इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी डी पॉइंट बिल्कुल ठीक है फॉरेन अलाउंसेस एग्जेम होते हैं रेंट फ्रॉम सिंगापुर टैक्सेबल नहीं होगा नीदर अराइजिंग नॉर गेटिंग रिसीव्ड इन इंडिया ठीक है ओके अनदर केस स्टडी फॉर क्वेश्चन नंबर टेन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लिखे हुए मिस्टर हार्दिक एज फोर्टी फाइव ईयर्स

थर्टी फाइव हंड्रेड का जब तक वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड तक रीच नहीं करती सिक्सटी फाइव थाउजेंड पर आ जाएंगे तो इनको दूसरा ग्रेड पे मिल जाएगा ये बात हम लोग सैलरी में पढ़ते हैं ग्रेड पे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी फर्स्ट फेब्ररी नाइनटीन यहाँ से इनको थर्टी फाइव थाउजेंड मिलना शुरू होंगे और जब फर्स्ट फेबररी ट्वेंटी आएगा फर्स्ट फेब्रवरी ट्वेंटी आएगा तो इनको थर्टी फाइव हंड्रेड का इंक्रीमेंट हो जाएगा तब इनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी थर्टी फाइव हंड्रेड को ऐड करेंगे तो थर्टी एट हंड्रेड थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ही इज़ पेड डियर एस अलाउंस फोर्टी परसेंट ऑफ सैलरी वो सिंपल आ जाएगा सैलरी आएगी तो फोर्टी परसेंट भी आ जाएगा ही इज गेवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन फ्राम वन फाइव नाइनटीन विच ही ऑक्यूपाइड ओनली फ्राम वन टेन नाइनटीन अब देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन ठीक है रेंट फ्री एकोडेशन जानते हैं ना आप कैसे निकलते हैं ठीक है डिपेंड करता है ओल्ड बम्प्लॉयर है या हायर्ड बम्प्लॉयर है तो अगर इनकेस ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है ना कंपनी पे लीज रेंट ऑफ फाइव थाउजेंड पर मंथ तो इसका मतलब हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो इस केस में कितना लेते हैं हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर उस केस में लेते हैं फिफ्टीन परसेंट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी आर एफ ए सैलरी और एक्चुअल रेंटल चार्जेस विच एवर इज लोअर ठीक है ये हम रेंट फ्री अकोमोडेशन में पढ़ते हैं बट इंपॉर्टेंट बात क्या है इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन तो फर्स्ट मे से मिल गया है बट इन इन्होंने ये फैसिलिटी अवेल की है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन तो अगर फॉर एग्जाम्पल इनको बोल दिया था कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन ये मिल रहा है जब आप चाहें तो आ सकते हैं इसमें तो परक्यूजेट का मतलब होता है फैसिलिटी फैसिलिटी जब से अवेल करते हैं फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्टार्ट अवेलिंग दिस फैसिलिटी देन इट बिकम्स योर परक्यूसेट तो प्लीज इसको फर्स्ट मे से टेक्सीबल मत कीजिएगा इसको फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन से टेक्सीबल कीजिएगा इंपॉर्टेंट बात है ठीक है याद रहेगा ये नेक्स्ट ही हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद अ कार ऑफ टू थाउजेंड सी सी कैपेसिटी सो इट्स अ बिग कार सिक्सटीन हंड्रेड का पैरामीटर आपको पता है विच इज यूज बाय हेम फॉर प्राइवेट पर्पजेज ओनली प्राइवेट पर्पजेज ओनली पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सन होती है तो वी हैव अ फिक्सड अमाउंट एटीन हंड्रेड स्मॉल कार के लिए ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ फॉर अ बिग कार बट नाउ इट इज फॉर प्राइवेट पर्पजेज तो उस केस में तो जितना भी एक्सपेंसिस इम्प्लॉयर बियर कर रहा है वो सब फर्क्यूज बन जाएगा एम्प्लॉई कुछ पैसे वापस करता है कुछ उससे रिकवर किया जाता है तो वो माइनस हो जाता है ठीक है कार अगर कंपनी की है तो टेन परसेंट पर एर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार भी इंक्लूड होगा पर क्यूसेट में द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज एट लाख द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज फाइव थाउजेंड विच इज फुली मेड ब द एम्प्लॉयर तो इस केस में क्या करेंगे हम फाइव थाउजेंड पर मंथ फुली टेक्सेबल होगा और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज एट लाख एट लाख इंटू टेन परसेंट फॉर द पर फॉर द एंटायर ईयर तो

अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये चैप्टर सिक्स से की डिडक्शन है ठीक है ऑल्दो ये टेस्ट में आ, मैंने चैप्टर सिक्स से डिस्कस नहीं करा था इसके क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे बट हाँ अगर यहाँ पर अगर आपको चैप्टर सिक्स से आपने कर लिया है रिवाइज़ तो आपको याद होगा कि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टूवर्ड्स पी किया है तो एट्टी सी में डिडक्शन मिल जाएगी और जो अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा दिया है उसकी डिडक्शन मिलती है एट्टी डी में बट ये रिस्ट्रिक्टेड है ठीक है ये रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है आप जितना अमाउंट पे करते हैं उतनी रिडक्शन नहीं ले सकते और दूसरी बात ये है कि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ पूरे फोर्टी एट मंथ्स के मतलब दो साल के ठीक है अगर ये दो साल के हैं तो आप इसको डिवाइड भी करेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड बट आपकी रिस्ट्रिक्शन है आपको पता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से आप ज़्यादा नहीं ले सकते सीनियर सिटीजन है तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ठीक है वो बातें हम चैप्टर सिक्स में करते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या क्या कहता है वैल्यू ऑफ तो मैंने कहा था कि जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो पहले सबसे पहले एक बार केस स्टडी पढ़ लीजिएगा बस एक बार दोबारा मत पढ़िएगा हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको ना समझ में आए तो इट्स ओके क्वेश्चन पढ़िए फिर उस पॉइंट्स को समझिएगा क्वेश्चन नंबर टेन से वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टेक्स इन देंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक वुड उर्वी तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है रेंट फ्री अकोमोडेशन की रेंट फ्री एकोमोडेशन जैसे कि आपको पता है फर्स्ट मे से प्रोवाइड तो किया गया था बट वी हैव अवेल्ड इट फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर तो फर्स्ट अक्टूबर से आप इसको कंप्यूट करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट अक्टूबर से लेकर ईयर एंड तक मतलब सिक्स मंथ्स की आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी निकालनी होती है रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी में क्या क्या आता है बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस ऑल टेक्सीबल अलाउंसेज प्लस बोनस या कोई भी या कोई भी कैश पेमेंट इसमें परक्यूजिट्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी में क्या क्या आएगा और उससे जितना भी आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी आएगी उसका फिफ्टीन परसेंट वो वैल्यू उसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल चार्जेस ऑफ रेंट पेड दैट इज फाइव पर मंथ इंटू कितना करेंगे अक्टूबर के बाद से सिक्स मंथ्स का फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स थर्टी थाउजेंड थर्टी तो थाउजेंड को और फिफ्टीन परसेंट ऑफ आर एफ ए सैलरी को कंप्यूट करेंगे विच एवर इज लोअर दैट वुड बी आर एफ ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक बार चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टेन आई सपोज ये रहा सैलरी आपको लेनी है सिक्स मंथ्स की तो अक्टूबर से लेकर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी की सैलरी अब देखिए फेबर में सैलरी चेंज होगी क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी चार महीने की तो सैलरी थर्टी फाइव थाउजेंड ही रहेगी थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू फोर ठीक है और फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा तो थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिकॉज थर्टी फाइव हंड्रेड का एनुअल इंक्रीमेंट हुआ तो थर्टी फाइव हंड्रेड इंटू टू ठीक है दो मंथसली सिक्स मंथ्स आ गया तो इतनी सैलरी उसका इतना सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस और कोई परक्यूज सॉरी और कोई अलाउंसेस जितने भी टैक्सीबल अलाउंसेज होते हैं बोनस वगैरह इसमें नहीं था तो उसको ऐड नहीं करेंगे परक्यूज को ऐड नहीं करते आर एफ सैलरी निकालते समय तो ये आपका आ गया है थ्री लाख थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड इसका आप फिफ्टीन परसेंट लेंगे उसको कंपेयर किए कितना है फिफ्टीन परसेंट फोर्टी फाइव फाइव सेवेंटी रेंट पेड तो थर्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर तो दैट इज थर्टी थाउजेंड तो आपका थर्टी थाउजेंड इसमें आंसर आ जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर आ जाएगा डी थर्टी थाउजेंड द कार कार की वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे एट लाख इंटू टेन परसेंट पर एनम पूरे साल के ही लेनी है यहां पर और फाइव थाउजेंड जितना भी खर्चा कंपनी कर रही है एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है वो पूरा का पूरा परक्यूजिट वैल्यू बनेगा फाइव थाउजेंड इन ट्वेल्व दैट इज सिक्सटी थाउजेंड ये और एटी थाउजेंड ये हो जाएगा तो दैट विल मेक वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है डी आंसर लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कंप्यूट हार्दिक सैलरी इनकम सिर्फ सैलरी इनकम निकालनी है ठीक है और जब भी सैलरी इनकम निकालें प्लीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन का ध्यान रखिएगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ की देनी है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पूरी इनकम नहीं पूछिए सिर्फ सैलरी इनकम पूछिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आपको खुद कंप्यूट करनी थी तो एक बार देख लेते हैं आप क्या क्या कंप्यूट करेंगे यहाँ पर सैलरी में इनकी बेसिक सैलरी आ जाएगी बेसिक सैलरी आ जाएगी इनकी थर्टी फाइव थाउजेंड फेबररी तक थर्टी फाइव थाउजेंड आएगा टेन सॉरी जनवरी तक जनवरी तक थर्टी फाइव थाउजेंड आएगा दस महीने की फेबररी और मार्च के लिए आप लोग थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सॉरी थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड करके करेंगे पैंतीस सौ का इंक्रीमेंट के बाद ठीक है साथ साथ में आप डी एन एस अलाउंस फोर्टी परसेंट टैक्सेबल करेंगे आर एफ ए की वैल्यू निकालेंगे वो टैक्सेबल जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं थर्टी थाउजेंड रुपीज़ कार की वैल्यू निकालेंगे और ये सब तो सैलरी का पार्ट था नहीं तो इन सब को वैल्यू में ऐड करेंगे आपकी सैलरी इनकम आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी उसमें से फिर आप सेक्शन 16 की डिडक्शन देंगे याद आता है आपको तीन डिडक्शंस होती हैं फर्स्ट डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है ग्रॉस सैलरी और फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर क्योंकि जनरली ये फिफ्टी थाउजेंड ही आपको मिल जाता है टैक्स ऑन टैक्स प्रोफेशनल टैक्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी जिसको बोला जाता है ठीक है वो माइनस करते हैं अगर एक्चुअली पे किया हो और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है बट दैट इज ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉज ठीक है तो इस तरीके से करेंगे एक बार आंसर चेक कर लें तो आंसर यहां पर है बट स्टूडेंट का गलत आंसर है तो आप लोग करिएगा सैलरी इनकम थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टेन और फिर थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू टू ये बेसिक सैलरी आएगा डी ए फॉर्मिंग पार्ट रेंट फ्री अकोमोडेशन पर कार जितना भी आया उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कीजिएगा फिर आपका आंसर आ जाएगा ये शायद आंसर गलत है ठीक है एक बार मैं अपने सॉल्यूशन में देख लू एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा बेसिक सैलरी थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टेन है ये फोर लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड डी एन एस अलाउंस रेंट फ्री अकोमोडेशन मोटर कार फैसिलिटी ग्रॉस सैलरी इतनी आई स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगी बाकी दूसरी डिडक्शन है नहीं सेक्शन सिक्सटीन की योर सैलरी इनकम विल बी सेवन लाख सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है क्लियर हो गया इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन से मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ एम आज पार्ट डिस्कस किया है अपने सेकेंड पार्ट में देन वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑनवर्ड्स ठीक है आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और दो घंटे का टाइम लीजिएगा प्लीज़ टाइम देखकर सिर्फ दो घंटे का टाइम लीजिएगा कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं यू हैव सॉल्यूशंस आल्सो ठीक है उसके बाद सॉल्यूशन से चेक कीजिएगा बाकी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन से अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर And bye-bye.